गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज सुबह मैं 9 बजे उठा क्योंकि मैं रात को बहुत लेट से सोया। और मेरा रात को लेट से सोने का वजह था क्योंकि मैं अपने रात को जो पुराना वाला ब्लॉग था उसे एडिट कर रहा था, और एडिट करते करते मुझे बहुत ज़्यादा रात हो गई थी इसलिए मुझे सोने में बहुत लेट हो गई, इसलिए मैं आज सुबह लेट से उठा हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ क्योंकि हम सब लोग जा रहे हैं शिव मंदिर। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, मंडे शिव भगवान का दिन होता है इसलिए हम लोग मंडे के दिन सबसे पहले शिव मंदिर जाते हैं भगवान का पूजा करने। और अभी हम लोग शिव मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और जब हम लोग मंदिर के वहाँ से वापस आएंगे तो उसके बाद हम लोग अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हमें अपना बाकी काम भी करना है। तो आज का ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। और आप सभी को मैं बता दूँ, मेरा जो पिछला ब्लॉग था मैं उसे अभी भी एडिट कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा लेट हुआ उस ब्लॉग को एडिट मैंने अपलोड करने में। तो आप सभी गाइस से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गई उस ब्लॉग को अपलोड करने में, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आज के दिन उस दोनों ब्लॉग को एडिट करके अपलोड कर दूँगा। 15 मिनट्स लेटर। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं शिव मंदिर में और मैं आप सभी को दिखा दूँ, यहाँ पे ऊपर में एक शिव भगवान का स्टैचू भी बनाया हुआ है, बहुत सुंदर है वो स्टैचू। और 2-3 साल पहले इस मंदिर को बाहर से अच्छे से डेकोरेट करके बनाया गया है। जैसे कि मैं आप सभी को इसका एक लेफ्ट साइड दिखा देता हूँ और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये राइट साइड, तो इसे 2 साल पहले पूरी अच्छी तरीके से बनाया भी गया है। A few moments later. तो गाइस अभी मैं वापस आ गया हूँ मंदिर से पूजा करके और अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। तो अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने और मैं आप सभी से ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ अपने जिम में और मुझे आ जाने में लेट बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि अभी मेरा ट्यूशन चल रहा था कुछ देर पहले, और मेरा ट्यूशन जैसे ही कम्प्लीट हुआ वैसे ही मैं संग संग जिम के लिए भी आ गया। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को एक छोटा सा व्यू भी दिखा दिया जाए, तो चलिए गाइस जिम का एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ आप सभी को। तो गाइस ये है मेरा जिम अंदर से, तो ये है मेरा मेन गेट जहाँ से सब लोग एंटर करते हैं और ये है सारी मशीन्स, तो मैं आपको एक बाई एक सब दिखा दूँगा। तो यहाँ पे एक हनुमान जी की फ़ोटो भी है और ये है हमारा एक बड़ा सा बिल्ड मिरर। और अभी हमने फ़िलहाल में जो मैंने आपको बताया था कि हमने सारी सीट चेंज करवाई, ये सारी न्यू सीट्स हैं जो लगे हैं यहाँ पे। और ये बटरफ्लाई है जो कि चेस्ट के लिए मारा जाता है। और ये हमारा ट्रेडमिल और सारे आयरन इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये बेंच प्रेस अभी फ़िलहाल इसमें सीट नहीं लगा हुआ है क्योंकि वो सीट गया अभी रिपेयर होने के लिए। और ये मशीन हमने फ़िलहाल लॉकडाउन में लगवाई थी, लॉकडाउन से पहले ही आया था ये, जब आया उसके एक दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया था। और यहाँ पे हमारा बैटर रूम अभी इसे फोल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि अभी कोई इसे यूज़ नहीं कर रहा। और ये एक चेस्ट की मशीन है और ये हमारा बाइशेप का मशीन, इसका भी अभी सीट हमने कुछ दिन पहले ही चेंज करवाया, आप देख सकते हैं ये पूरा न्यू है। और ये है पुलअप बार, वहाँ पे भी एक पुलअप बार है, एक बाहर भी है। और ये है एक और, इसे क्या बोलते हैं मुझे याद आ नहीं रहा अभी मैं इसको, हाँ इसको चेन पुलिंग बोलते हैं। तो ये भी है यहाँ पे एक, वहाँ पे एक लेग वाला है उसका वेट देख सकते हैं होंगे आप, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट इसी में है। और वहाँ पे एक और रूम है पीछे में जो कि अभी बंद है, तो रुकिए मैं आपको वो वाला रूम भी दिखाता हूँ। जला दो, तो ये वाला रूम अभी बन ही रहा है, इसमें एक से एक ऑटो बेंच प्रेस है, एक सीट है, वहाँ पे साइकिल भी है और यहाँ पे एक कार्स वाली मशीन है। तो अभी हम इस रूम को बंद कर देते हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ पे कोई काम है नहीं फिलहाल। तो
यहाँ पे एक जार भी है जिन्हें पानी पीना होता है उनके लिए। तो गाइस ये था हमारा पूरे जिम का एक छोटा सा व्यू, और हमारे जिम का जो सेकंड फ्लोर है वो अभी बन ही रहा है, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको एक बार जिम का पूरा दिखा देंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ अपना जिम करने, तो मैं आप सभी से जिम करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग। मैंने सोचा था कि आज मैं बहुत लंबा ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन मेरी केयरलेसनेस की वजह से मैं लंबा ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आप सभी से एक वादा भी करता हूँ कि मैं अपना अगला ब्लॉग बहुत लंबा और इन्जॉयफुल रखूँगा आप सभी के लिए। तो गाइस ये था मेरा आज का दिन का ब्लॉग, जो काम मैंने सुबह से लेकर शाम तक किया वो सारे काम मैंने आप सभी को दिखाया। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आप सभी से मेरे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।